भाई हकीकत सिंह की शहीदी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। भाई हकीकत सिंह भाई नंद लाल पुरी के पोतरे अते भाई बागमल के सपुत्र सन। ये परिवार गुरु अर्जन साहब के वेले तो ही सिक्खी नाल जुड़िया होया सी। मार्च 1660 के अखीर हफ्ते गुरु हर राय साहब जदों सियालकोट गए सन तां आप कुछ दिन भाई नंद लाल पुरी के घर ठहरे सन। इस मौके ते भाई नंद लाल उसके बेटिया भागमल बागमल अते बेटी भगवंती ने गुरु साहब की तह दिलों सेवा की सी। इस मगरों भी यह परिवार सिख पंथ की सेवा करता रहा। भाई हकीकत सिंह की माता बीबी गौरां दा पेका परिवार भी गुरु घर नाल प्रेम रखता सी। बीबी गौरां दे भरा हकीकत सिंह दे मामे अर्जुन सिंह ने खंडे बाटे की पौल छकी हुई सी। भाई हकीकत सिंह ने अपना बचपन सियालकोट विच ही बिताया सी। उन्हां दा विआह भाई किशन चंद उपल की बेटी बीबी दुर्गा देवी जिन्हां दा नाम पौ लैण तो बाद नंद कौर रखिया गया नाल हो गया। भाई हकीकत सिंह नूं भाई बुद्ध सिंह ने सिखी नाल जोड़िया। हुण उसने खंडे बाटे की पौल भी लै ली अते भाई हकीकत सिंह बन गया। पहला नाम हकीकत राय है। एक बारी भाई हकीकत सिंह दे सामने कुछ मुसलमान मुंडिया ने मजाक करदिया हिंदू देवी देवत्यां उत्ते कुछ फिकरे कसे। उन्हां नूं भाई हकीकत सिंह ने आख्या मैं सिख होण दे नाते देवी देवत्यां ते यकीन नहीं रखदा पर किसी दे धर्म दा मजाक नहीं उड़ाउणा चाहीदा। भलके नूं जे कोई हजरत मुहम्मद साहब की बेटी फातिमा बारे कोई गल आखे तां तुहानूं वी बुरा लगेगा। हकीकत सिंह वालों फातिमा का जिक्र सुन के मुंडिया ने उसके खिलाफ झूठी शिकायत कर दिती कि उसने बीबी फातिमा बारे बुरे लफ्ज़ आखे हन। इस ते उसनूं गिरफ्तार करके लाहौर लिजा के लाहौर के सूबेदार जकरिया खान अगे पेश किया गया। पहला तो अमीर बेग की सिफारिश से जकरिया खान ने उसनूं माफ़ी देने का फैसला कर लिया पर फिर कट्टर मौलाणिया के रौला पाउण ते उसने काजी तो फतवा दवा के उसनूं मौत जां इस्लाम विचों एक चुनण वास्ते कहा। पर भाई हकीकत सिंह ने जान बचाउण वास्ते सिख धर्म छड्डना कबूल ना किया। इस ते भाई हकीकत सिंह अते उसके मामे अर्जन सिंह वधावण नूं निखास चौंक लाहौर विखे लिजा के कतल करन दा हुक्म सुनाया गया। भाई हकीकत सिंह नूं एक थम दे नाल संगलां नाल जकड़ दिता गया। बैंत नाल जालमां ने कुटना शुरू कर दिता ते उस समय तक कुटदे रहे जद तक कि वह लहू लुहान हो के बेहोश ना हो गया। अखीर तलवार नाल उसका सिर धड़ तों वख कर दिता गया। यह महान शहीदी 1742 ईस्वी नूं हुई। मृतक शरीर का शहर वासियां ने बहुत वड्डा जलूस कढ़िया। धर्म विच विश्वास रखने वाले सब हिंदू मुसलमान अर्थी दे नाल शामिल होए। शाह बहलोल दे नेड़े अंतम संस्कार कर दिता गया। इत्थे याद वजों उन्हां दी समाध तैयार कीती गई ते हर साल बसंत पंचमी ते लोक प्रेम भेट करन लई जुड़दे। महाराजा रणजीत सिंह दे मन ते इस शहीदी दा बहुत असर सी ते ओह आम तौर ते इसे थां अपने सालाना समागम करिया करदे सन। हकीकत राय दे सहुरे सरदार किशन सिंह उपल ने सिंघां नूं जा के इतलाह दित्ती जो इन्हां दिनां विच जंगलां विच रह रहे सन। सारे खालसा पंथ विच इस खबर नाल बड़ा गुस्सा फैल गया ते फैसला कीता गया कि अजिहा जालमाना कारा करन वाले नूं नहीं छड्डिया जाएगा। इस समय खालसे ने सियालकोट वल कूच कर दिता ते हमला करके वह सारे मौलवी हाकम फड़ लए जो इस शहीदी लई जिम्मेवार सन। हकीकत राय नाल झगड़न वाले मौलवी का सिर वढ़ के मार्केट विच लटका दिता गया। हकीकत राय की शहीदी ने हो रहे अत्याचारां विरुद्ध लोगों नूं हलूणिया ते सिख लहर नूं ताकत मिली। अजिहे नौजवान शहीदां दीआं कुरबानियां सदका ही सिख कौम ने जुलमी राज दीआं जड़ां पुट्टियां ते नवीआं ते नरोईआं रवायतां पैदा कीतीआं।
वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।